समाचार में नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए दिखाते हैं आज की टॉप 10 खबर। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन, आज शाम शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद सहित लाखों लोग दे रहे हैं श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने इंग्लैंड को हराया, पीएम मोदी ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे 3 घुसपैठिए ढेर। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 449 नए मामलों की पुष्टि, 2 मरीजों की हुई मौत। यूपी दिल्ली में 7 फरवरी से खुल जाएंगे स्कूल, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। पीएम मोदी ने 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा देश को समर्पित की। पंजाब में कांग्रेस सीएम फेस का आज होगा ऐलान, लुधियाना पहुंचे राहुल गांधी, चन्नी सिद्धू समेत कई नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उज्जवल भारत समाचार, देखते रहें टॉप 10 खबरें।